बुढ़ा इंटरनेशनल स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में कक्षा 9 के विद्यार्थियों का मैं एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूँ। और हमने दो वालों की कथा कहानी पढ़ ली, इसके बाद उपभोक्तावाद की संस्कृति को पढ़ा हमने, जो एक निबंध था, और उसके बाद डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण पढ़ा जाबिर हुसैन का गद्य भाग में। और गद्य भाग में आज हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है ल्हासा की ओर, अर्थात ल्हासा तिब्बत की राजधानी थे। और प्रस्तुत पाठ को लिखा है राहुल सांकृत्यायन ने। राहुल सांकृत्यायन का संक्षिप्त परिचय। राहुल सांकृत्यायन का जन्म सन है 1893 को जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। राहुल सांकृत्यायन का जन्म उनके ननिहाल गांव पंदहा में हुआ था। और राहुल सांकृत्यायन का मूल गांव या पैतृक गांव था कनेला। राहुल सांकृत्यायन का मूल नाम केदार पांडे ही। क्या था? केदार पांडे था। केदार पांडे से राहुल सांकृत्यायन कैसे हुए? 1930 में 1930 को राहुल सांकृत्यायन गए श्रीलंका। वहां जाकर उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। कौन सा? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद अपना नाम भी परिवर्तित कर लिया और नाम रख लिया राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन हिंदी, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि भाषाओं के जानकार हैं। आदि भाषाओं में इन्होंने अपना साहित्य लिखा है। अलावा इसके राहुल सांकृत्यायन ने कहानियां भी लिखी है, निबंध भी लिखे हैं, यात्रा वृतांत भी लिखे हैं। सब पर अपनी कलम चलाई है। राहुल सांकृत्यायन के लगभग 150 पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। राहुल सांकृत्यायन की प्रमुख रचनाएं हैं जिनमें है 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा तक, भागो नहीं दुनिया बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र, आदि। प्रस्तुत पाठ जिसका शीर्षक है ल्हासा की ओर, लेखक ने 1930-35 के आसपास प्रथम तिब्बत की यात्रा की। ल्हासा कहाँ है? तिब्बत में। तत्कालीन समय अर्थात उस समय भारत एक प्राचीन राष्ट्र था। भारत के लोगों को कहीं भी घूमने की आज़ादी नहीं थी। तो लेखक ने अपनी प्रथम तिब्बत यात्रा एक भिकमंगे के वेश में की थी, अर्थात एक भिखारी के वेश में की थी। उस यात्रा का वर्णन राहुल सांकृत्यायन अपने इस यात्रा वृतांत में कर रहे हैं। किस प्रकार से कर रहे हैं? हाँ, पाठ शुरू होता है, यात्रा वृतांत को शुरू करते हैं। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है और उस रास्ते का नाम है फरी कलिंग पोंग। क्या नाम है? फरी कलिंग पोंग। अब देखिए ये कलिंग पोंग कैसे है, इस शब्द का नाम कलिंग पोंग कैसे है, इस पर मैं संक्षिप्त चर्चा करना चाहूँगा। और चर्चा इसलिए करना चाहूँगा क्योंकि आपके लिए ये भाषा वर्तमान समय में विदेशी भाषा के रूप में बन चुकी है। आज दौर ये आ गया कि आप अपने देश की भाषा से
अजनबी हो चुके हैं, अपने देश की संस्कृति से अजनबी हो चुके हैं, इसलिए जो अपने देश की भाषा, देश की संस्कृति, देश के गीत, देश के संगीत के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, वो व्यक्ति कहीं ना कहीं इस देश की मिट्टी से अजनबी है। तो कलिंगपोंग कैसे है, देखिए एक जैसे तीन लेटर हैं, ये तीन वर्ण है। अब अगर इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसका उच्चारण दूसरा है, इसके आगे अगर ये नुक्ता आ गया तो उच्चारण दूसरा है, और ये यहां से उठकर नीचे आ गया तो दूसरा है। अब ये टै की लाइन का है, कौन सी लाइन का है, टै ठ ड ड और अण। उसके बाद ये कै की लाइन का है, कै ख ग ग और ये ङ है, क्या है, ङ। और ये किसी भी लाइन का नहीं है, आगत है अर्थात आया हुआ है। अब यहां देखो, अपनी किताब में भी देखना आप, इसके आगे नुक्ता लगा हुआ है, मतलब ये कै की लाइन के आगे वाला है और ये भी कै की लाइन के आगे वाला है। तो जैसे ये इस प्रकार से पढ़ा जा सकता है, इसका उच्चारण स्थान मान लो ये है दिनांक, क्या है, दिनांक। अब इसका उच्चारण है ङ, क्या है, ङ। तो इसका नाम है कलिंगपोंग। फरी कलिंगपोंग का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाली नहीं, हिंदुस्तान की भी चीजें इसी रास्ते तिब्बत से जाया करती थी। कौन सा रास्ता, जिस रास्ते से लेखक यात्रा कर रहा है, यह व्यापारी की नहीं सैनिक रास्ता भी था, अर्थात व्यापारी का मतलब है ट्रेड, अर्थात जहां से एक देश से दूसरे देशों के बीच में व्यापार का आदान प्रदान होता है, वो रास्ता कौन सा कहलाता है, व्यापारिक। इसीलिए जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए हैं जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं दुर्ग के किसी भाग में, जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, वहां घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। ऐसा ही प्रीतेक्त एक चीनी किला था, प्रीतेक्त का मतलब है छोड़ा हुआ, अर्थात जिस किले को छोड़ देते हैं वो प्रीतेक्त कहलाता है। हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे, तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी, तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें हैं, अर्थात रास्ता आसान नहीं है और कुछ आराम की बातें भी, वहाँ जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं है और न औरतें पर्दाई करती है। बहुत बड़ी बात लेखक ने यहाँ कही है, लगभग आज से 80-90 साल पहले की बात लेखक कर रहा है, और आज से 80-90 साल पहले तिब्बत में जाति पाति नहीं थी, बहुत बड़ी बात है, और भारत में आज भी कहीं ना कहीं देखने को मिलती है, छुआछूत नहीं था। अलावा इसके 80-90 साल पहले औरतें पर्दा नहीं करती थी, ये भी बहुत बड़ी बात है। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते, नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं, चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हो तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं, वह आपके लिए उसे पका देगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए, वह चाय चोंगे में कूटकर उसे दूध वाली चाय के रंगे से बना मिट्टी की टोटीदार बर्तन में रख के आपको दे देगी। फिर से वर्ड आया एक चोंगी, देखो ये चो है और इसके आगे नुक्ता है तो ङ का उच्चारण हो जाएगा और ये वर्ड क्या बन जाएगा, चोंगी, अर्थात कूटने का, जो अपन अदरक कूटते हैं उसको अपन चोंगी बोल सकते हैं। देखिए यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि लासा की ओर यात्रा वृत्तांत में तत्कालीन तिब्बती समाज पर प्रकाश डालिए, क्या तत्कालीन तिब्बती समाज को हम एक आदर्श समाज कह सकते हैं, तो आपका उत्तर बनेगा जी हाँ। तत्कालीन तिब्बती समाज में छुआछूत नहीं थी, महिलाओं में पर्दा पड़ता नहीं थी, जात पात नहीं थी, ऐसे समाज को हम एक आदर्श समाज की संज्ञा दे सकते हैं, तो हमारे नजर में तत्कालीन तिब्बती समाज है वो एक आदर्श समाज था। इस प्रकार से प्रश्न का उत्तर आप बना सकते हैं। हाँ नेक्स्ट देखते हैं ऊपर, आगे लिख रखा है हाँ। उसके बाद तत्कालीन तिब्बती समाज की चर्चा लेखक ने की है कि अगर कोई निम्न श्रेणी का भिखारी है तो वो घर के अंदर नहीं घुस सकता, बाकी चाहे आप किसी के लिए भी अनजान है और आप किसी को नहीं जानते हैं तो आप डायरेक्ट किसी के घर में जाइए, चाय पकड़ाइए, दूध पकड़ाइए और अन्य सामान पकड़ाइए और आपको बनी बनाई चाय मिल जाएगी, अर्थात वहाँ कोई किसी के लिए अनजान नहीं था। यदि
बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको डर है कि सारा मक्खन चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चौंगी में चाय मक्खन ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की जरूरत होती है। लेखक ने क्या कहा है, अगर आपके मन में कहीं ना कहीं संदेह है कि चाय के लिए जो सामान मैं लाया हूँ वो पूरा सामान ये घरवाले नहीं डालेंगे, तो आप क्या, आप खुद चूल्हे के पास जाइए, अपनी चाय बनाइए, पीजिए और अपने काम पर जाइए। इतना आदर्श समाज तत्कालीन तिब्बती समाज का बताया है। हाँ, नेक्स्ट पेज। चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया, हमने वह दोनों चिट्ठी उसे दे दी। शायद उसी दिन हम थोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे और भीख मंगे रहते थे, ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे थे और भीख मंगे नहीं, एक बद्री यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे, किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी और हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर निर्भर है, खासकर शाम के वक्त छंग पीकर बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रखते हैं। देखिए यहाँ पर 2-3 बातें आई हैं, क्या कि यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे। अब आपके दिमाग में प्रश्न ये चल रहा होगा कि सुमति कौन है। सुमति लेखक का मित्र है जो लेखक के साथ यात्रा कर रहा है, अर्थात लेखक का क्या है, सहयात्री है, और सुमति की जान पहचान के आदमी है यहाँ पर भी। और यहाँ भीख मंगे रहते थे, ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। कब, जब पहली बार लेखक भिखारी के वेश में गया तब अच्छी जगह मिली। 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे और भीख मंगे नहीं, एक जेंटलमैन के रूप में, बद्री यात्री का मतलब है जेंटलमैन के रूप में, हम घोड़ों पर सवार होकर आए थे, किंतु उस वक्त किसी ने भी हमें रहने के लिए जगह नहीं दी और हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर निर्भर है, मतलब उस वक्त लोगों की सोच किस प्रकार की थी, ऐसा क्यों हुआ। प्रश्न बन सकता है कि लेखक भिखारी के वेश में गया तब तो उसे अच्छी जगह मिली रहने के लिए, और जब 5 साल बाद एक बद्री यात्री के रूप में लेखक जाता है तब उसे अच्छी जगह नहीं मिलती है, ऐसा क्या कारण हो सकता है। क्योंकि 5 साल बाद तिब्बती समाज में परिवर्तन आ गया और लोगों की मनोवृत्ति चेंज हो गई, और लोगों की मनोवृत्ति क्या हो गई, शाम होते ही लोग छंग पीकर, अर्थात हम ये कह सकते हैं भांग पीकर, शराब पीकर, बहुत कम होश आवास को दुरुस्त रखते हैं, अर्थात खुद ही बेहोश रहते हैं, होश आवास में नहीं रहते हैं। अब हमें सबसे विकट रास्ता पार करना था, सबसे विकट डांडा थोंगला पार करना था। फिर से नाम क्या है, ये डांडा थोंगला, ये इस प्रकार, तो ये क्या नाम हो गया, डांडा थोंगला पार करना था। डांडे, क्या वर्ड है, डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। डाकों के लिए यही सबसे अच्छी जगह है, कौन सी, डांडा थोंगला डाकों के लिए सबसे अच्छी जगह है, क्योंकि मीलों मीलों तक कोई आदमी नहीं होता, काफी सुनसान क्षेत्र है। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सजा भी मिल जाए, लेकिन इस निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती और वहां गवाह भी तो कोई आसानी से नहीं मिल सकता। डकैत पहले क्या करते हैं, आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कुछ पैसा है कि नहीं। देखिए वहां के डाकुओं का नया नियम है, पहले जेब तलाश नहीं करते हैं, पहले आदमी को मारते हैं, मारने के बाद जेब तलाश करते हैं कि जेब में कितना माल है। हाँ, डाकू यदि जान से न मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले साल थोंगला के पास खून हो गया, शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भीख मंगे थे, और जहां कहीं वैसी सूरत देखते टोपी उतार कर जीभ निकाल कर कुची 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 अर्थात दया करो दया करो, क्या करते कुची कुची अर्थात दया दया, एक पैसा कहते भीख मांग लगते। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते, और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। मैंने सुमति से कहा कि यहाँ से लंकोट तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान में रख लेंगे और चढ़ चलेंगे। सुमति से लेखक क्या कहता है, सुमति कौन है, लेखक का मित्र। सुमति से लेखक क्या कहते हैं कि यहाँ से 2 घोड़े कर लो और हम उन 2 घोड़ों पर चढ़ चलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट
तीसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। डांडे से पहले एक गज का चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुंचे। हम समुद्र तल से 17-18 हजार फीट ऊंचे खड़े थे। हमारी दक्षिण तरफ पूर्व से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। बीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे, अर्थात पहाड़ों पर किसी प्रकार की कोई वनस्पति नहीं थी और अर्थात हरियाली नहीं थी। न वहाँ बर्फ की सफेदी थी, न किसी तरह की हरियाली। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियाँ दिखाई पड़ती थी। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगों और रंग बिरंगी कपड़ों की झंडियों से सजाया गया था। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। शायद दो एक और साथी हमारे साथ यात्रा पर थे। अब लेखक क्या कह रहा है? लेखक कह रहा है कि हम दूसरे दिन की यात्रा में 17-18 हजार फीट की ऊंचाई पर थे और कुछ ऐसे पहाड़ थे जो बीटे की तरह दिख रहे थे, अर्थात एकदम ऐसे वातावरण में थे कि जहाँ पहाड़ों पर वनस्पतियाँ नहीं है, न किसी प्रकार की हरियाली है, साथ ही साथ न कोई बर्फ है, एकदम सुनसान क्षेत्र है। और ऐसे में हम अपने रास्ते को पार कर रहे हैं। अब हमें बराबर ऊंचाई पर चढ़ना था, अर्थात जितना चढ़ना था 17-18 हजार फीट हम ऊंचाई चढ़ चुके थे, अब उतरना था। उतराई बिल्कुल नहीं। शायद दो एक सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। लेखक का घोड़ा कुछ धीरे चल रहा है। मैंने समझा कि चढ़ाई के थकावट के कारण ऐसा कर रहा है और उसे माना नहीं जाता था। धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया और मैं दोनों किस्तों की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। जब मैं जोर देने लगता तो वह और सुस्त पड़ जाता। एक जगह दो रास्ते फूट रहे थे। मैं बाएं का रास्ता ले मील डेढ़ मील चला गया। आगे एक घर में पूछने से पता चला कि लंकोर का रास्ता दाहिने वाला था। फिर लौटकर उसी को पकड़ा। 4-5 बजे के करीब मैं गांव से मील भर पर था तो सुमति इंतजार करते हुए मिले। मंगोला का मुंह वैसे ही लाल होता है और अब तो वह पूरे गुस्से में था। उन्होंने क्या कहा? पूरे गुस्से में थे। उन्होंने कहा, मैंने दो टोकरी कंडे फूंक डाले। अर्थात कंडे का अर्थ क्या होता है? जैसे अपन जो कच्चा ईंधन होता है उसको कंडे कह सकते हैं। जैसे मान लो अपने के जो गोबर की जो मारवाड़ी में अपन जिसको थेपड़ी बोलते हैं, उसको वहाँ स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं? कंडे, या जिनको छाने बोलते हैं अपन। तो दो टोकरी कंडे फूंक डाले, 3-3 बार चाय को गर्म किया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र, देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है? मैं तो रात तक पहुँचने की उम्मीद रखता था। खैर, सुमति को जितने जल्दी गुस्सा आता था उतने जल्दी वो ठंडा भी हो जाता था। लंकोर में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे। यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे। पहले चाय सत्तू खाया गया, रात को गर्मा गर्म थुकपा मिला। हाँ, अब पूरे पेज की समरी कुछ इस प्रकार है, समझाता हूँ मैं आपको। लेखक और लेखक का मित्र सुमति दोनों दो घोड़े किराए पर लेते हैं। घोड़े से अपनी यात्रा का सफर है वो आगे बढ़ाते हैं। अब लेखक को जो घोड़ा मिला, लेखक कौन? राहुल शंकरत्यान, जिनका मूल नाम क्या है? केदार पांडे। जिनका जन्म कब हुआ था? 1893 में। कहाँ की यात्रा कर रहा है? ल्हासा की। ल्हासा कहाँ है? तिब्बत में। किस वेश में यात्रा की पहली? भिखारी के वेश में। अब किस वेश में यात्रा कर रहे हैं? एक बद्र यात्री के रूप में। समझ गए इतनी बात? अब देखो लेखक क्या कह रहा है कि मुझे जो घोड़ा मिला वो घोड़ा काफी सुस्त था, अर्थात धीरे चलने वाला था। समझ में नहीं आता था कि घोड़ा आगे जा रहा है पीछे, इतना सुस्त चल रहा था। दूसरा कारण पिछड़ने का क्या हुआ? आगे प्रश्न दे रखा किताब में कि लेखक अपनी मित्र सुमति से क्यों पिछड़ गया, इसके कोई दो कारण बताओ। पहला कारण क्या है? कि लेखक को घोड़ा सुस्त मिला। दूसरा कारण क्या है? कि लेखक रास्ता भूल गया। एक जगह आया तो दो रास्ते फूट रहे थे। अब लंकोर की तरफ कौन सा रास्ता जाता है ये लेखक को पता नहीं था। अब लेखक उस रास्ते पर थोड़ा आगे गया तो किसी घर में जाकर पूछा कि क्या ये रास्ता लंकोर जाता है, तो उस घर में बताया गया कि नहीं, जो रास्ता पीछे दूसरा छोड़ा है वो लंकोर जाता है। इस कारण लेखक है वो अपने मित्र सुमति से काफ़ी पिछड़ गया। अब जब 2-3 घंटे बाद लेखक सुमति के पास पहुँचता तो सुमति को बहुत गुस्सा आया होता है और सुमति को बताया गया मंगोल। कौन सी जाति का बताया गया है? मंगोल। लेखक ने क्या कहा है? कि मंगोलों के वैसे मुंह लाल होते हैं। समझ गए? अब गुस्से में और लाल हो गया।
तो मैंने अच्छी तरीके से बताया कि मित्र इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। एक तो मुझे जो घोड़ा मिला है वो काफ़ी सुस्त मिला है, दूसरा रीज़न क्या है, दूसरा ये कि मैं रास्ता भूल गया था। तो सुमति को जितना जल्दी गुस्सा आता है उतना ही जल्दी वो ठंडा भी हो जाता है। तो आज हम इस वीडियो में यहाँ तक ही इस यात्रा वृत्तांत को पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इस यात्रा वृत्तांत को पूर्ण करने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही।